इंदर, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा दिन बड़ा होता जा रहा है और रातें छोटी। दिन बड़ा होता जाता है, रातें छोटी होती जा रही है, मतलब अच्छा इसलिए कि मैं लेट आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, बिजनेस में कभी यहाँ डिनर कहीं वहाँ डिनर, और मैंने कहा 10:30 ठीक घर पहुँचूंगा, 10:30 में घर पहुँच गया। अच्छा ये क्या बजे हैं? ये तो 2:30 बजे है क्या? पहले तो तुम काम छोड़ छोड़ कर घर भाग आया करते थे और मैं तुम्हें धक्के दे देकर भेजा करती थी कि जाओ पहले काम खत्म कराओ। इंदर मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। चलिए क्यों करोगी, मगर एतबार का भी कोई अधिकार होता है। तो होता है डाले। अब तुम ही देखो 2:30 बज गए। कल सुबह 9:30 बजे तुम चैरिटी फंक्शन में चीफ गेस्ट हो। अब कब सोएंगे कब जागेंगे? देखो सुलाना जगाना तुम्हारा काम है, फंक्शन डिनर करना मेरा काम है। अब तुम अपना काम दिखाओ। कम हो क्या हुआ आज तुम्हें? आज शारदा भी कह रही थी कि सुबह से एक ही गाने में उलझी हुई हो। सितारा, ऐसा कौन सा गाना जिसमें तुम इस तरह उलझी हुई हो? एक गाना। सारा दिन लग गया उस गाने में? दिन तो कहने की बात है, समझो सारी जिंदगी खप गई इस गाने में। हाँ जरूर, मेरे लिए तुमने स्पेशल गाना क्या बताया? हाँ देर किस लिए? एक मिनट, गाना इतने खास है तो क्यों ना उसे गायब कर लिया जाए। मोहब्बत करने वाले कम नहीं है तेरी महफिल में, लेकिन हम नहीं हैं। इंदर कह के हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। जाओ, क्योंकि आज मुझसे और मेरी आवाज से तुम्हारा नाता टूट गया। हाँ? ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे खो दिया। क्या तुम मेरी और अपनी खुशी के लिए ये भूल नहीं सकती? नहीं इंदर, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ सकती। तो आपको आज दारू कुछ ज्यादा ही होगी। अरे भैया, पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं। इतना क्यों पीने लगे हो इंदर? गोपीनाथ जी कह रहे थे कि ऑफिस में भी तुम्हारा दिल उठा सा रहता है। ये गोपीनाथ कौन होता है ऑफिस की बात घर में करने वाला? ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जब देखो ऑफिस। ये 10-12 लाख रुपया इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना ही जिंदगी है। रुपए पैसे के अलावा ये जिंदगी और कुछ नहीं। बोलती क्यों नहीं? जाओ, पैसा पैसा पैसा। क्या करोगी सारी दौलत का तुम? हाँ, हिंदुस्तान में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक घर नहीं। तुम्हारे पास 4-4, 5-5 बंगले हैं। हिंदुस्तान के हर बैंक में तुम्हारा अकाउंट है। तुम्हारी अलमारियां हजारों साड़ियों से, कीमती लिबासों से भरी पड़ी हैं। हीरे जवाहरात तुम्हारे पास है। अब मैं किसके लिए कमाऊं, क्यों कमाऊं? ये सब क्या हम अपने साथ ले जाएंगे? इस इतनी बड़ी जायदाद को संभालने वाला कोई है? है कोई इसका वारिस? बताओ। मुझे माफ कर दो गायत्री, मैं मुझसे मुझे बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। तुमने ठीक ही कहा, मैं तुम्हें कोई औलाद नहीं दे सकी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा, मगर मेरी खराबी की सजा तुम अपने को क्यों देते हो? मुझे छोड़ दो इंदा। नहीं गायत्री, किसी और से शादी करो। नहीं, घर में तो बच्चा होना चाहिए। ऐसा मत करो गायत्री, ऐसा मत करो। मेरा दिल कहता है मैं बाप बनूंगा, जरूर बनूंगा, और ये घर हमारे बच्चे की मुस्कुराहटों से रोशन हो जाएगा। हाँ हाँ गायत्री, जाने क्या बात है, जाने क्या उसने कितनी आसानी से तुम्हें नाता तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये नाता टूटा नहीं। तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। नहीं जिया जाएगा, तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें पाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाकर नहीं, तुम्हें खोकर बर्बाद हो जाऊंगा। तुमसे ये किसने कह दिया इंदर कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है? प्यार का नाम है जुदाई। यही जुदाई प्यार का इनाम भी है और प्यार की सजा भी। ये सब बकवास है सितारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम हासिल करके आऊंगा। और दरवाजे बंद में रखूं? मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी। सितारा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुन लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। BTXYZ, this is Bombay calling. Miss Indrajeet, please come in. Speak, speak. Please listen. You are going into bad weather. Hello. Hello. घर में तीन फोन है। जब जरूरत होती है कोई नहीं चलता। ऊपर से गोपीनाथ जी सुबह के एयरपोर्ट गए हुए हैं, कम से कम उन्हें तो खबर देनी चाहिए थी। इंदर नहीं आए? साहब का प्लेन। क्या हुआ प्लेन को? वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। माँ हूँ बहू, वो मेरा इकलौता बेटा था, पर मेरी समझ में नहीं आता, मेरा गम ज्यादा है या तुम्हारा। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, अब तो आपको चलना ही होगा मुझे विधवा की तरह जीना सिखाने के लिए। नहीं बहू, मैं क्या करूं बहू, मैं इस घर की बंदी हूं। ये घर थोड़ी है, ये मेरी समाधि है। मगर तुम्हें वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? वो घर मेरी समाधि जो है माँ जी, और फिर हजारों बिखेरे हैं। पिताजी और इंद्रजीत ने इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उसे बिखरने भी तो नहीं दे सकती। मुझे तो जाना ही पड़ेगा माँ जी। इस दस्तखत के साथ मैं सारा कारोबार आपकी निगरानी में देती हूँ। जी, मैं अपने आप को इस भरोसे के काबिल साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये इंदर साहब के कुछ पर्सनल कागजात हैं, इन पे भी एक नजर डाल लीजिए। सिर्फ तुम्हारी सितारा। साहब के खास ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। बहुत अच्छा। मैं गायत्री हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। तशरीफ रखिए। मैं यूं ही ठीक हूँ। तो कहिए। अपनी आवाज बेचने वाली किसी औरत से मुझे कहना ही क्या हो सकता है। मैं कोई ठुमरी कोई गजल नहीं हूँ। गायत्री हूँ, इंद्रजीत की विधवा। ये है वो जगह जहां हर रात आकर इंद्रजीत ने अपने घर का अपमान किया, और तुम हो वो सितारा जिसके लिए इंद्रजीत जैसे चाहने वाले पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पता है तुम्हें कि तुमने मेरे साथ क्या किया? बेवगी के लंबे दिनों और दिनों से ज्यादा लंबी रातों में सुहा की यादें ही सहारा होती हैं। वो यादें भी तुमने मुझसे छीन ली। अब जब जब इंद्रजीत याद आएगा तुम याद आओगी। भगवान के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों ना करूं? मेरा पति तेरी आवाज सुनने में इतना खोया हुआ था कि वो ये भी भूल गया कि वो खुद अपना हवाई जहाज उड़ा रहा है। उसने कंट्रोल टावर की बातें नहीं सुनी क्योंकि वो तुझे सुन रहा था। मेरे पति की कातिल तेरी आवाज है। हेलो, मैं डॉक्टर मिर्चंदानी बोल रहा हूँ। मुबारक हो सीतारा जी। मगर डॉक्टर साहब मैं। देयर इज नो मगर, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर मिर्चंदानी का फोन था। तुम मां बनने वाली हो। तो तुम अपने कोख के रास्ते से मेरे घर में आना चाह रही थी। आप घबराइए मत गायत्री देवी। कल तक ना ये बच्चा रहेगा ना मैं। नहीं, ये बच्चा रहेगा और इसे जन्म देने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। तुम चाहोगे भी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी क्योंकि ये बच्चा इंद्रजीत का है। वो इंद्रजीत जो मेरा पति था। माँ जी, क्या बात है बहू, इतना हाँफ क्यों रहे हो तुम? माँ जी, आप दादी बनने वाली है। क्या क्या बहू, क्या ऐसी हालत में दौड़ना तो नहीं चाहिए था बहू। यह खबर तो उड़ के आने को कह रही थी। ये बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई? डॉक्टर ने आज ही कंफर्म किया। हवाई जहाज में जगह मिली तो मैं भागे चली आई कि सबसे पहले यह खुशखबरी मैं आपको दूं कि हम कोई लावारिस नहीं है। कैसी हो? ठीक हूँ। एक काम करो, तुम सूती साड़ियां पहनना शुरू कर दो। मैं फिर फोन करूंगी। वैसे बच्चा तो दिवाली के लगभग होगा ना? हाँ। अगर कोई इस बच्चे के रास्ते में कोई अगर मगर नहीं आ सकता। आओ और सुलक्षणा, बैठो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं डॉक्टर। सोच रही हूँ डिलीवरी के लिए लंदन चली जाऊं, पर किसी न किसी को साथ ले ही जाऊंगी। मगर किसी भरोसे वाली को ले जाना। तुम फिक्र न करो सुलक्षणा, मैं किसी भरोसे वाली को ही साथ ले जाऊंगी। ऐसी बात नहीं सितारा कि मैं सिर्फ तुम्हें दोष दे रही हूं। तुम्हारे और इंद्रजीत के बीच जो कुछ हुआ उसमें इंद्र की भी गलती थी। खैर जो कुछ होना था वो हो चुका। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं। ये आपकी महानता है गायत्री जी, लेकिन एक चिंता मुझे खाए जा रही है। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं दुनिया को उसके बाप का नाम क्या बताऊंगी? ये सब मुझ पर छोड़ दो, बच्चे की पैदाइश के बाद देखेंगे। उसके लिए अभी बहुत वक्त है। और फिर तुम्हारे ये दिन चिंता करने के नहीं है। इस तरह क्या देख रही हो? आप देवी हैं गायत्री जी। नहीं नहीं सितारा, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं। बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक है बीबी जी। और माँ? अभी तक होश नहीं आया, मगर घबराने की कोई बात नहीं। हाँ। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे और तुम्हारा इनाम भी है, तुम जा सकती हो। क्या आगे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बीबी जी? दो नर्सेस आ रही हैं, आगे देखभाल वही करेंगी। अच्छा नमस्ते। हाँ। मेरा बेटा बेटा ही हुआ होगा ना? कहाँ है वो? आप बोलते क्यों नहीं? क्या? नहीं सितारा, ये तुम्हारा टिकट है 4 तारीख की फ्लाइट का। लेकिन आज तो सिर्फ अभी तुम कमजोर हो ना, इसलिए 2 दिन बाद की टिकट ली है। मुझे बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए मैं आज शाम की फ्लाइट से जा रही हूँ। लेकिन इस तरह, मेरा मतलब है हम तो साथ जाने वाले थे ना। देखो सितारा, मेरे तुम्हारे बीच एक कड़ी थी, इंद्रजीत का बच्चा। हो सकता था वो बच्चा आगे भी हमारा साथ बनाए रखता, लेकिन अब वो कड़ी गुम हो गई है सितारा। और अब कोई वजह नहीं रही कि हम एक दूसरे से मिलें। बेहतर यही है कि हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैं भूल जाऊंगी। तुम भी भूल जाओ कि गायत्री नाम की कोई औरत इस दुनिया में रहती है। यूं भी तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग। वाकई आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है और मेरी दुनिया अलग है। आप विश्वास रखिए, मैं कभी आपकी दुनिया में कदम नहीं रखूंगी। इस जुर्म पे हम रुसवा होकर निकले थे एक दिन जन्नत से। हो उस जुर्म पे दुनिया छूटेगी, मजबूर है अपनी आदत से। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं, दीवा इन्हें बुलाओ, इन्हें यहाँ अंदर, हाँ अंदर। दर दर की ठोकरे खाएंगे, हर दर से निकाले जाएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे। राहे दिल में दीवारे हैं, अपने सर पे तलवारे हैं। राहे दिल में दीवारे हैं, अपने सर पे तलवारे हैं। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं, इन बातों से कब डरते हैं। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं, इन बातों से कब डरते हैं। बदनाम सही, हम पर लाखों इल्जाम सही। क्या और करेंगे लोग भला, सूली पे हमें लटकाएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं, आशिक हैं, हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे। पहरे न बिठाओ नजरों पे, पर्दे न गिराओ नजरों पे। पहरे न बिठाओ नजरों पे, पर्दे न गिराओ नजरों पे। क्या समझे हो, क्या जाने हो लोगों तुम दीवाने हो। क्या समझे हो, क्या जाने हो लोगों तुम दीवाने हो। की बातें चंद करो, मत ये दरवाजे बंद करो। पंखों से तोड़ के पिंजरे को, पंखों से तोड़ के पिंजरे को, ये पंछी तो उड़ जाएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे, न आएंगे, न आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे। आशिक हैं मिट जाएंगे। दुश्मन तो रास्ता रोकेंगे, हर एक कदम पर ठोकेंगे। दुश्मन तो रास्ता रोकेंगे, हर एक कदम पर ठोकेंगे। भंवरे तो मिलेंगे गलियों से, एक शोर उठेगा गलियों से। भंवरे तो मिलेंगे गलियों से, एक शोर उठेगा गलियों से। क्या खूब तमाशा ये होगा। दुनिया हमसे टकराएगी, दुनिया हमसे टकराएगी। हम दुनिया से टकराएंगे, हम आशिक हैं मिट जाएंगे। पर इश्क से बाज ना आएंगे, हम आशिक हैं मिट जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाएंगे, हर दर से निकाले जाएंगे। हर दर की ठोकरें खाएंगे, हर दर से निकाले जाएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज ना आएंगे। हम आशिक हैं मिट जाएंगे। रुक क्यों गए सरकार? गाइए गाइए। हाय हाय हाय, अमा कसम अल्लाह की, मैंने तो आज तक किसी रईस के बेटे को इतनी अच्छी कवाली गाते देखे नहीं। गाइए ना सरकार, गाइए। मर गए, अब क्या होगा बीमा? ये सब क्या हो रहा है? सलामकुम। गुलाम को असीफ पैगंबर खान कव्वाल कहते हैं सरकार। भंवर सिंह जी, मैं घड़ी भर को घर से बाहर निकलूं, तुम लोग फुटपाथ घर पर उठा लाते हो। इन सबको निकाल बाहर करो। जी मालकन। चले हो यहाँ से, इधर कभी आने का नहीं। तुम इतने बड़े घर, इसके रीति रिवाज दस्तूरों के वारिस हो, तुम्हें ऐसे बाजारी लोगों के साथ मिलना जुलना शोभा देता है? I'm sorry, Mom. मैं नहीं चाहती बाजारी सुरों की जंजीर मेरे बेटे को मुझसे दूर खींच ले जाए। मम्मी, मेरे दो ही तो शौक है, एक गाना और एक नहाना। अब तो माँ जी भी नहीं रही, सनी तो बिल्कुल सितारा का साया निकला। अब मैं इसे कैसे बदलूं? वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ बेटे, आओ। ये है तुम्हारे डैडी का ऑफिस और ये उनकी कुर्सी, संभालो इसे। बैठो। बेटे, आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो और मेरी तमाम शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। मैं आज की डाक लेके आता हूँ। डाक? होंगे बेटे कोई 100-200 खत। 100-200? और मैं? डोंट वरी बेटे, मैं हूं ना। ओके Yes, sir. No, I'm sorry. वही शक्ल, वही आवाज, बिल्कुल अपने बाप पे गया। और क्या है बेवफा अंकल, ये टेप रिकॉर्डर किसका है? तुम्हारे डैडी का है बेटे। डैडी को म्यूजिक का इतना शौक था, मम्मी के डर से ऑफिस में सुना करते होंगे। व्हाई नॉट? गुड आइडिया। मैं भी ऑफिस में सुना करूंगा। ठीक है बेटे, पहले डाक देख लो। अंकल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं म्यूजिक सुनता रहूं और आप ये डाक देखते रहे? ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू अंकल। ला बैग। नहीं नहीं मम्मी। अरे ला ना। नहीं मम्मी। अच्छा ये बता आज पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? ओ मम्मी पूछो मत। गोपीनाथ जी ने तो दिवाला पिटवा दिया सिग्नेचर करवा करवा के। अच्छा अच्छा तू चल के नहा ले, मैं दूध लाती हूँ। नहीं मम्मी दूध नहीं, आज चाय हो जाए। आफ्टर ऑल आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर। जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ किया। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात। आज फिर मुझ पर रहम कीजिए साहब, अगर मैडम को यह पता चल गया कि आप प्लेन उड़ाने लगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्हें बताएगा कौन, मैं या आप? मैं तो बताने से रहा, और आप, आपको तो अपनी नौकरी प्यारी है। जरूर प्यारी है जनाब। बस फिर आपकी नौकरी जाएगी कैसे? अरे सनी बाबा सुनिए तो। ओहो, आप नहीं मानेंगे लेकिन ख्याल रखिए 15 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ाइएगा। अरे अंकल 15 मिनट क्या, मैं बस 10 मिनट में गया और आया। लगता है मेरी नौकरी भी आई और गई। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। Excuse me, who is she? I don't know sir. धक धक धकी से जिया। अभी आपने कुमारी अमृता से एक गीत सुना। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आंटी आज तो मैंने कमाल कर दिया। सारे लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक रिकॉर्डर्स, फोटोग्राफर, यहाँ तक कि स्टेशन डायरेक्टर भी मेरे गाने पे बिल्कुल फ्लैट हो गए। अरे वाह, एक्सक्यूज मी। हाँ? मैं अमृता से मिलना चाहता हूँ। अमृता तो कहीं। टैक्सी। टैक्सी। लेफ्ट। नो थैंक्स। नहीं, आप उनको पॉकेट का थैंक्स नहीं मांगता है। पहले लिफ्ट लो फिर थैंक्स देना। कह दिया ना तुमसे, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अरे ले लो जाने, ये जीप नहीं, रॉकेट है रॉकेट। अपने नाजुक नाजुक पैरों पर जुल्म मत करो। अकेले मत जाइयो, जमाना खराब है। ये देखो, साले बाटले भी खाली हो गई है और अभी आखिर रात बाकी है। अपन को तुम्हारी नशे की जरूरत है जाने। ओ, तो चिकन बिरयानी भी आ गया है। बाबा इस चिकने को भी ले ले। अरे देवी जी आप भी आज भाग गई है। साला मैं बात कर रहा था, पीछे ना साले साले जाने। आओ आओ बाहर आओ। अरे 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 क्या भाई, हमारे गाड़ी छोड़ो, हमारे गाड़ी छोड़ो, ये करो बात। अरे जिससे भी आ गया इन्हें पे एक ही हूँ और तेरे लिए काफी हूँ साले। चलिए सरदार जी, सरदार जी आगे चलिए। दीदी जरा फाइट तो देख लो। देख लूंगा बेटा। आप सीधे कर भाई। आप अभी तक गई नहीं। ओ सरदार जी बहुत खेल देख लिया, हुन तुसी जरा चलो। हुकम बादशाह। वाह वाह बहुत अच्छे, आपका नाटक तो बहुत ही रियलिस्टिक था। नाटक? जी हाँ नाटक। ये बताइए आपने इस झूठ-मूठ की लड़ाई पे कितने पैसे खर्च किए? पैसे? पैसे तो मुझे अब खर्चने पड़ेंगे अपनी टूट फूट की मरम्मत के लिए। चलो सरदार जी चलो। भाई वाह, हम जान से गए, आपकी अदा ठहरी। जी हाँ मैं। देखो यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा, तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ वरना। वरना क्या? वरना मैं हवलदार को बुलाऊंगी। ये तकलीफ आप क्यों कर रही हैं? मैं ही हवलदार को बुला लेता हूँ। हवलदार जी। क्या बात है हवलदार साहब, ये लड़की मुझे छेड़ रही है। छेड़ रही है? ओहो ये बुरी बात है बिटिया, बुरी बात है ये। हैव यू गॉन मैड? तुम समझते मैं इसे छेड़ूंगी? राइट, ये भी ठीक है। भला एक लड़की को क्यों छेड़ेगी, है ना? हवलदार साहब पहले आप इससे ये पूछिए यहाँ क्यों आया, इसका यहाँ क्या काम है। राइट। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? कोई काम नहीं। फिर यहाँ क्यों आए हो? जी मैं इनसे मिलने आया हूँ। ये आपसे मिलने आया है? मुझसे मिलने नहीं, मुझे तंग करने आया है। ओह अरे हवलदार जी मैंने कहाँ तंग करता हूँ, ये खुद मुझे परेशान कर रही है। अच्छा देखो बिटिया, तुम क्यों से परेशान कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? मैं इसे क्यों परेशान करूँ? मैं पागल हूँ? भाई साहब ये क्या म्यार है, पागल है? हो सकता है, हो सकता है, वरना ये मेरी सच्चाई पर विश्वास करती। अब परसों की बात है, कुछ गुंडे इन्हें तंग कर रहे थे, मैं अपनी जान पर खेल गया और उनकी जान बचाई। मालूम है ये क्या बोली? क्या बोली? ये बोली कि मैं नाटक कर रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है। मैं सिर्फ एक सीधा साधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा? क्या सवाल करना जुर्म है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सवाल तो क्या, दो सवाल कर सकते हो। अरे क्या पूछूं? घुर-घुर के सारा मूड चौपट कर दिया। अरे? नहीं पूछता। मेम साहब, आप पहली लड़की हैं जिसकी आवाज तो मीठी है मगर जुबान कड़वी है। मैं शराफत से जो सवाल आपसे पूछना चाहता था, अब वही सवाल आपको परेशान करता रहेगा और आप तड़प कर बेचैन होकर मेरे पास आएंगी, मगर मैं फिर भी आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा। माना कि गरज मेरी है, मगर वो अपने आप को समझती क्या है? जब देखो अकड़ती रहती है, अकड़ती रहती है। लेकिन आखिर वो कौन सा सवाल पूछना चाहता है मुझसे? क्या पूछना चाहता है? हाँ, होगा कुछ, मुझे क्या। ये जरा नीचे छोड़। ओके सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शार्प 6:20। वेरी गुड, नेवर लेट। सुनिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। देखिए देवी जी, देखिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ पर प्लीज प्लीज कोई सीन ना क्रिएट कीजिएगा। देखिए यकीन कीजिएगा, मैं आपका पीछा करता हुआ नहीं आया हूँ। मैं ये तो हर रोज स्क्वॉश खेलने आता हूँ, स्क्वॉश। मगर मगर कुछ नहीं। अगर मैं आपको आते देख लेता तो मैं सामने वाली दीवार से टकरा जाता, मगर आपके सामने नहीं आता। मेरी तौबा, कहिए तो मैं उठक बैठक भी कर लूं। मुझे क्या अपनी शामत बुलवानी है कि मैं आपका पीछा करूंगा? आज तो मैं आपका पीछा कर रही थी। आप क्या कर रही थी? वही जो अब तक आप किया करते थे, पीछा। मेरा पीछा? देखिए मुझसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मैं मांगना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजियां की है, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं बैठ ले हम लोग थोड़ी देर के लिए, कॉफी पी ले। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, प्लीज प्लीज बी माय गेस्ट। लगता है आज ये मेरे सर पर गरम गरम कॉफी का पॉट फेंकेगी। कोई बात नहीं, मैं भी कोल्ड कॉफी मंगवाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दो हॉट कॉफी प्लीज। नहीं नहीं, कोल्ड कोल्ड कोल्ड। मेरे लिए हॉट प्लीज। नहीं नहीं, देखिए प्लीज, ये रेस्टोरेंट है ना, यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत मशहूर है। यस सर। ठंडी, बिल्कुल ठंडी। मेरे लिए हॉट ही चलेगा। यस मैडम। नहीं नहीं, मगर अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या पूछने के लिए मेरा पीछा करते थे? देखिए बात यह है कि डैडी के बाद जब मैंने ऑफिस संभाला ना, तो वहाँ मुझे एक टेप रिकॉर्डर मिला, डैडी का टेप रिकॉर्डर, और उसमें 2 गाने थे, और उसमें से एक गाना आप टीवी पर गा रही थी। और जब मैं टीवी सेंटर पहुंचा तो हिस्ट इज हिस्ट्री। आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो गाना आपके हाथ लगा कैसे? बस इतनी सी बात। जी हाँ। वो गाना मैंने अपनी आंटी से सुना था। वो भी गाती हैं? एक जमाने में गाया करती थी। मुमकिन है कि कभी आंटी ने गाना गाया होगा और आपके डैडी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। एक्चुअली मुझे भी इस गाने के बारे में पता नहीं था। वो तो हुआ ये कि एक दिन आंटी अपने कमरे में लेटी आंखें बंद किए हुए यही गाना गुनगुना रही थी। मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गई और उनके सर हो गई कि मुझे भी ये गाना सिखाइए। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत टाला, पर भला मैं टलने वाली थी? नेवर। फिर उन्होंने मुझे वो गाना सिखाया। भाई तब तो आपकी आंटी के दर्शन करने पड़ेंगे। क्यों? It's very simple. क्योंकि लगता है मेरे डैडी उनके बहुत जबरदस्त फैन थे, लगभग वैसे ही जैसे मैं आपका फैन हो गया हूं। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि आप जरूर आएंगी। आप बुलाए और हम ना आए, कहिए अब क्या सवाल है? अब मेरी जिंदगी का सवाल है जी। यू सी, आई लव यू। I love you, Amrita. I love you. मुझे डर लग रहा है। किससे? इस प्यार से। मैं तो नहीं डरती। किससे? इसी प्यार से। क्या तुम्हें जुदाई का कोई डर नहीं? मगर हम जुदा होने ही क्यों लगे? मेरी याद आएगी, आती रहेगी। मेरी याद आएगी, आती रहेगी। मुझे तुम भुलाने की कोशिश न करना। मेरी जान जाएगी, जाती जाएगी, जाती रहेगी। मुझे आजमाने की कोशिश न करना। कुछ रहा तो ये शिकवा रहे शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों, के शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों, ये पर्दा उठाने की कोशिश न करना, मेरी याद आएगी आती रहेगी, मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। महाराज बूंदिया तुम्हें देखने और अपनी बेटी को तुम्हें दिखाने आ रहे हैं। क्या? देखो भाई, मैं जबान दे चुकी हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। सॉरी, आप लोग तो ठीक रखिए। आइए बेटा, बैठिए बैठिए। अरे अरे, आप क्यों बैठ रहे हैं? खड़े रहिए आप। मम्मी कह रही थी क्या आप महाराज हैं? तो आप तोड़ की दाल और लहसुन की चटनी तो बड़ी लाजवाब बनाते हो। What? सॉरी महाराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। मैं भी खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। एक ड्रामे में मैं भी महाराज बनाता हूँ। ऐसे आपकी मूछ असली है? यार, उसमें तो मैंने नकली लगाई थी। उसका डायलॉग अभी तक मुझे याद है। बोल के दिखाऊं? सुनाओ सुनाओ। सॉरी सॉरी। बहादुर सिंह, तुमने जो बोली थी जो ही काटोगे। हम वो हैं जिनकी तलवार का लोहा पानीपत की जमीन ने पाना। हम वो हैं जिसकी मैं यहाँ तक पहुंचा था कि मेरी मूंछ ही गिर गई। By the way, are you sure कि आपकी ये मूंछ असली है? Of course. मुझे तो नहीं लगती। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो इसी से शादी करूंगा महाराज जी, मैं तो इसी से शादी करूंगा। दुर्गावती, चलो चलो। महाराज जी, महाराज जी। चलो, तुअर की दाल और लहसुन की चटनी खाते रहो। चलो। क्या बदतमीजी थी सनी। मम्मी मम्मी, साफ बात यह है कि मुझे आपके वो महाराज की लड़की बिल्कुल पसंद है। वो बिल्कुल इडियट लगती है। प्लीज मम्मी, गुस्सा नहीं। इन मुबारक कदमों से मेरे इस छोटे से नाचीज जहाज को इज्जत बख्शिए। चलिए चलिए। अरे लेकिन आज तुम मेरे साथ गालिब क्यों बन रहे हो? इसलिए कि मेरी पहली क्वालिफाइड उड़ान की आप पहली पैसेंजर हैं। क्या मतलब? ये क्वालिफाइड उड़ान क्या होती है? मतलब ये कि आज ही मुझे जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला है। क्या कहा? आज ही लाइसेंस मिला है? जी हाँ, बिल्कुल आज। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि मैं अपनी पहली उड़ान का मुहूर्त तुमसे करूँ। सनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 3-4 साल और प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद मुझे उड़ाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि 4 साल बाद तो मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर उड़ाया करूंगा ना, फिर तुम्हें कहाँ फुर्सत होगी। नहीं बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हे भगवान, आज ही ने लाइसेंस मिला है और ये चाहते हैं आज ही मैं उड़ूं। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। क्या सोहनी बेवकूफ थी जो महिवाल से मिलने नदी तैर कर जाया करती थी? क्या लैला बेवकूफ थी जो मजनू के बुलावे पर रेगिस्तानों की रेतें फांगती हुई आ जाती थी? और क्या मैं बेवकूफ? वेट वेट वेट, वो सब बेवकूफ थी, बिल्कुल बेवकूफ थी। नाउ लिसन, मैं भी बेवकूफ हूँ। Come on, let's take off. ऐ होई ना गल, ऐ तू अंदर ता चल। है अमृता? आंटी आंटी प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो हुआ ये कि मैं स्विमिंग के लिए बीच पे गई थी और वहाँ पे मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। आंटी वो मैं उसी वो की बात कर रही हूँ जिसका नाम तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है मगर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आंटी नहीं आंटी। अच्छा तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें अपनी आंटी से बातें छुपाना भी आ गया है। चलो अब कानों में बता दो। He's absolutely wonderful, बहुत अच्छा है। अमृता। हाय सनी। हाय। अरे भाई अमृता, बर्थडे गर्ल हो, एक अच्छा सा गाना हो जाए। अच्छा अच्छा गाना तो हो जाने दीजिए, फिर आप लोग तालियां बजाइए। चलो सनी शुरू हो जाओ। कौन? मैं? और नहीं तो क्या, दो ही तो चीजें आती है तुम्हें, एक गाना दूसरा नहाना। या तो तुम गाओ या फिर नहाओ। मगर मुझे गाना वाना। अगर मगर कुछ नहीं, यही एक मौका है आंटी को मस्का लगाने का। अच्छा गाओ और सही गाओ तो समझो आंटी उतर गई शीशे में। अगर ये बात है तो ऐसा गाना गाता हूँ कि आंटी की छुट्टी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या अहदे वफा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं और क्या अहद वफा होते हैं। बिछड़ जाए हम सफर ही तो है, कब बिछड़ जाए हम सफर ही तो है। कब बदल जाए एक नजर ही तो है। जानो दिल जिस पे, जानो दिल जिस पे फिदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। बात निकली थी इस जमाने की, बात निकली थी इस जमाने की। जिसको आदत है भूल जाने की, आप क्यों हमसे, आप क्यों हमसे खफा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुशबो, तब कहीं खुशबो जरा होते हैं, और क्या अहदे वफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या अहदे वफा होते हैं, और क्या अहदे वफा होते हैं। अमृता, ये आंटी, 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 जरा पानी लाना प्लीज। आंटी, आंटी, पानी। आंटी, आंटी, सनी ने अंदर ले चलो ना। कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सनी इंद्रजीत। सनी, कैसे आ गई? बेटे से मिलने आई हूँ। किसका बेटा? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? वो तो मुर्दा पैदा हुआ था। ऐसी अशुभ बात न कीजिए, भगवान उसे लंबी उम्र दे। पागल हो गई हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। जरा अपने बेटे की जान की कसम खाकर कहिए तो कि मेरा बेटा, भगवान ना करे, मुर्दा पैदा हुआ था। कितना जवान निकला है, कितना सुंदर, बिल्कुल जैसे। मैं सच कहती हूँ गायत्री जी, आपने उसे पाला है बड़े प्यार से। और शायद आज तुम इसीलिए अपनी ममता के बहकाव में आकर मेरी ममता के किए दे पे पानी फेरने चली आई। मैं तुमसे झूठ बोली, मगर उस झूठ में कुछ गर्ज मेरी भी थी, कुछ फायदा तुम्हारा भी था। तुम बिन बियाही माँ होने की बदनामी से बच गई और मुझे इंद्रजीत का वारिस मिल गया। मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती सितारा कि तुमने मेरा पति चुरा लिया था, मैंने तुम्हारा बेटा चुरा लिया। हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि असलियत ये नहीं है। फिर भी सनी मेरा बेटा है। बेवकूफी की बातें मत करो सितारा। क्या कहोगी उसे कि तुम अपने पिता की रखेल के बेटे हो, नाजायज औलाद हो। अपनी दुनिया में वापस चली जाओ सितारा, और ये सोच सोच कर खुश होना सीखो कि तुम्हारा बेटा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। सनी मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे लेके जाऊंगी। ले कैसे जाओगी? ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम उसकी माँ हो, और ये बात सारी दुनिया जानती है कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद है तो रुको, मैं उसे बुलाती हूँ और मैं ही उसे उसकी पैदाश की सारी कहानी भी सुनाती हूँ। क्यों नहीं, जरूर बुलाइए। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। वो सब कुछ जानने के बाद भी मेरे आशीर्वाद के लिए मेरे पाँव जरूर छुएगा। ठीक है, तो बुलाती हूँ उसे। ये तुम खुद भी देख ही लो, वो अपने माँ के पाँव छुएगा या अपने पिता की रखेल के मुंह पे थूकेगा। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है गायत्री जी, उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। सनी एक रईस खानदान का लड़का है, उसकी माँ ने उसके बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रखे होंगे। हम मिडिल क्लास के लोगों का उनसे कोई तालमेल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा सनी से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आंटी, आप सनी को बिल्कुल गलत समझी हैं। वो, मेरा मतलब है, उसमें रईस जादू जैसी कोई बात नहीं है। अभी तो आप उसे ठीक तरह से मिली भी नहीं, जब मिलेंगी तो मेरी बात का यकीन हो जाएगा। हेलो हेलो गायत्री, अरे जल्दी से टीवी ऑन कर, देख तो सही हमारा सनी क्या गा रहा है। सनी गा रहा है? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, फिर बात करूंगी। छुप कर हम दोनों कितने रोज मिलेंगे, ओ छुप छुप कर हम दोनों कितने रोज मिलेंगे। चाहे जो हो जाए अब तो भूल चलेंगे, जाने क्या हो अंजाम लोग करें बदनाम हम दीवानों को। तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। बबे, ये है वो अमृता। सनी, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। तुम बहुत अच्छा नाचती गाती हो, लेकिन नाचने गाने वालियां बाजार में बहुत मिलती हैं। हमें एक बहू चाहिए। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि तुमने इस घर की बहू बनने का सपना देखा कैसे। वैसे तुम्हारी जैसी हर लड़की यही चाहती है, अपनी आवाज और बदन की लोच का फंदा फेंककर किसी अमीर लड़के को फंसा ले। बट श्योरली नॉट सनी। जाके कोई दूसरा लड़का ढूंढो, दहेज मैं दे दूंगी। सिंह, सनी को मेरे कमरे में भेज दो। जी। कहिए मम्मी, कैसी रही मेरी पसंद? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अमृता से बात करनी थी तो मैं आउट, और जब आपने मुझसे बात करनी है तो अमृता, मेरा मतलब है कहाँ छुपा दिया आपने अपनी बहू को? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों मम्मी? क्योंकि मैं कह रही हूँ। I'm sorry मम्मी, दरअसल मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और आप ये मैगजीन हमें। एक नाचने गाने वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सनी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। वो भी एक इज्जतदार घराने की शरीफ लड़की है। And above all, I love her ना मम्मी। कुछ भी हो, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अमृता, अमृता, क्या हुआ अमृता? रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। सनी आज मुझे अपनी मम्मी से मिलाने ले गया था आंटी। फिर क्या हुआ? She just became hysterical. कहने लगी कि मैं एक नाचने गाने वाले की बेटी हूँ और मैंने उसके बेटे को फूंक किया है आंटी। लेकिन आप जानती है ना, ये सच नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। वैसे आंटी, अरे ठीक तो हो ना? बैठिए। हाँ जी, ठीक हूँ। चोट लगी है क्या? शारदा, शारदा, तेरा आईलेट लाना जल्दी, बहुत दर्द हो रही है। ठीक है। अमृता कहाँ है? वो तो टीवी से उतर गई है। मैं दरअसल कल की बातों के लिए अमृता से माफी मांगने आया था आंटी। सी एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे अपनी मम्मी से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था ना। और दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मैं आपको अमृता के साथ नहीं लेकर गया। तो बड़े जब आपस में बातें करते हैं ना, यू नो, बात ही कुछ और हो जाती है। बात ये है आंटी कि मेरी मम्मी वैसे तो शी इज ग्रेट, पर थैंक यू, शी इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, पर उनमें एक वीक पॉइंट है। She hates music. गाना सुनना तो दूर, गाने की वो बात तक नहीं सुन सकती। और उस दिन उन्होंने मुझे और अमृता को टीवी पर देख लिया, बस फ्यूज हो गया। ऐसे तो आई बताऊं मम्मी, बस एक बार अमृता और मेरी शादी हो जाए तो। मेरे ख्याल में अगर मैं जल्दी करूं तो मैं अमृता को टीवी सेंटर पर पकड़ सकती हूँ। नमस्ते आंटी। प्लीज अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी होने की क्या जरूरत है? मैं अपनी मम्मी के बिहेवियर के लिए सॉरी हूँ। तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मेरी मम्मी पुरानी दुनिया की है, तो जब उन्होंने हम दोनों को टीवी पर नाचते गाते देखा तो वो बिल्कुल उखड़ गई। असल में हमसे गलती और हो गई। हमें अपने साथ सितारा आंटी को भी ले जाना चाहिए था। उन्हें इस कीचड़ में मत घसीटो सनी। अगर वो हमारे साथ गई होती तो तुम्हारी मम्मी भी उनसे वही बातें करती, वो आंटी को मेरी नायिका बना देती। तुम्हारी मम्मी को ये मालूम होना चाहिए था कि मैं टीवी पे गाती हूँ, किसी कोठे पे नहीं। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। तुम उनके इकलौते बेटे हो, वो जहाँ चाहे तुम्हारी शादी कर दे। और उनसे कह देना कि उनके बेटे को छोड़ने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है। मगर मेरी बात तो सुनो। बात तो मुझे सितारा आंटी की सुननी चाहिए थी, जिन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम जैसे लोगों से। लेकिन अब कहने सुनने को रही क्या गया है। तुम्हारी मम्मी तो मुझे वैश्या कह चुकी है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है सनी। चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो चिल्लाओ, तड़पो, जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। बाप भी मुझे साला ही कहता है। यही तो साली लाइफ की ट्रेजेडी है। भगवान भला करे उस सरदार सैनी सिंह का। सरदार सैनी सिंह? हाँ, सरदार इसलिए कि वो सरदार है, सैनी सिंह इसलिए कि वो सैनी बेचता है। सैनी? सैनी क्या चीज है? सैनी सैनी वो है साहब, तो घूस हड़क से नीचे उतरी कि सारे गांव से। अरे साहब, मुझे तुम भी परेशान दिखाई देते। परेशान? मेरा तो दिमाग घूम गया। वेरी गुड, तो फिर घुस जाओ सैनी सिंह के धावे पर और पी जाओ सैनी गटा गट गटा गट। दिमाग सही नहीं हुआ ना, मेरे घर पर आकर बता देना। पीना जरूर, फैनी जैसी कोई शराब नहीं। एक फैनी तो सदा साहब। फैनी काका मेरी गाल सुन। सरदार जी मैं कोई गाल वाल सुन वास्ते नहीं आया, और फैनी तुम अपना दिमाग ठीक करने वास्ते आया। और काका ये चीज तो चंगे पले दिमाग में पुठा कर दूंगी। तू एक काम कर, तू सूत्र भेड़ी खा, लस्सी पी, मछली खा, झींगा खा, सेहत बना। फैनी रोजी साहब कोई फैनी तू रात ले जा और मैं बैंक में आ जाऊंगा। महाराज जी आइए, महाराज आइएगा। सत श्री अकाल महाराज। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल सरदार जी। महाराज सत श्री अकाल। एक नाचने गाने वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सनी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। महाराज मैं कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तुम्हारी मम्मी तो मुझे वेश्या कह चुकी है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। बोलो क्या मांगते हैं? अपन कसम मांगता है जानी। मुझ संभाल के बात कर। असली मछली तो ये है बाप, गर्मा गर्म 3 फुट से आँच आ रही है। डोंट टच मी। हमारे आंख को हाथ नहीं लगाना। टंक मारती है, कांटे वाली है। कांटे वाली तो बहुत टेस्टी होती है। ऐसा क्या? हाँ, कांटे वाली हो या विदाउट कांटे की, आगुन को तो यही मछली बनता है। पक्की कर लो। ए लड़की को छोड़ो। ये वही उस दिन वाला क्या बे? तो साला का बम्बई का छबरीला का ठेका लेके रखा है क्या? लड़की लोगों का तो नहीं, लेकिन तुम जैसे हरामजादों का ठेका ले रहा है। अमृता का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं था मम्मी। मैंने जो फैसला किया है सनी, वो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई के लिए है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं अमृता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तो फिर आप मेरी सूरत भी भूल जाइए। ये बात तुम अपनी माँ से कह रहे हो? देखो मम्मी, मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। मैं उस लड़की के घर जाकर उससे माफी मांगूंगी। नहीं मम्मी, आपको अमृता से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ आंटी से बात कर लीजिए ना, लेकिन उन्हें डांटिएगा मत। नमस्ते। मैं तो अमृता की आंटी से मिलने आई थी। मैं हूँ अमृता की आंटी। तुम अमृता की आंटी कैसे बन गई? अमृता की माँ मेरी सहेली थी। उसके गुजरने के बाद मैंने अमृता को अपने पास रख लिया। उस दिन तुमने अमृता का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने मौका दिया था। बनो मत सितारा, और मुझे बनाओ भी मत। तुमने इसलिए अमृता का जिक्र नहीं किया कि उसके जरिए मुझसे अपना बेटा वापस लेने के ख्वाब देख रही हो। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए सितारा, मेरा सनी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देखिए गायत्री देवी, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अमृता ने मुझे सनी से मिलाया, तभी मुझे पता चला वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये भी पता चला सनी आपका बेटा है। ओफो, तुमने यहाँ तक तय कर रखा है। उनकी मोहब्बत को तो देखिए, उनकी शादी हो जाने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, सनी के कान तक इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी कि मैं कि आप उसकी माँ नहीं है। तुम और तुम्हारा वचन, तुम एक बार मेरा पति छीन लेने के लिए अपने पीले चरित्र का जाल बिछा चुकी हो सितारा। अपना बेटा मुझसे छीनने के लिए तुम झूठ नहीं बोलोगी। अमृता इस लायक नहीं है कि बहू बनकर मेरे घर में आए। क्यों, क्या खराबी है अमृता में? और ये मत भूलिए, जो खराबी अमृता में है वही खराबी सनी में भी है। सनी मेरा बेटा है, उसकी रगों में आप जैसे किसी ठाकुराइन का दूध खून बनकर नहीं दौड़ रहा है। वो भी एक गाने वाली का बेटा है। खबरदार जब फिर कभी तुमने उसे अपना बेटा कहा। मेरे पति तेरे पास मेरे लिए एक अपनी अमानत छोड़ गए थे, उसे मैं ले गई। सनी जहां का था वहां पहुंच गया। तू तो एक किराए का मकान थी, रहने वाले पर तेरा अधिकार क्या? अब अगर तूने या तेरी अमृता ने सनी से मिलने या दूर से देखने की कोशिश भी की तो मैं उसे इतनी दूर ले जाऊंगी कि उसकी परछाई भी हाथ नहीं आएगी। ये शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी? पर क्यों? वो लोग इस लायक नहीं। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? कह दिया ना कि वो लोग इस लायक नहीं कि इस घर से उनका कोई नाता बने। अभी तो आप गई थी और अभी आते ही आपका इरादा बदल गया। आखिर क्या खराबी निकला है उन लोगों में? फजूल की बातें मत करो सनी। ये फजूल की बात नहीं है मम्मी, ये मेरी जिंदगी की बात है। और ये घर अमृता से शादी नहीं करेगा। अमृता से शादी करूंगा मैं, चाहे इस घर को पसंद आए या ना आए। सनी मैं आप कोई बच्चा नहीं हूँ मम्मी। आखिर सितारा आंटी से आपकी ऐसी क्या बात होगी कि आपका मूड बिल्कुल। सितारा का नाम मत लो। क्यों, क्या बिगाड़ा है सितारा आंटी ने आपका? तुम्हारे इन बेहुदा सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप कैसी माँ है कि अपने बेटे को इन सवालों के जहन्नम में धकेल रही हैं? आपसे अच्छी तो सितारा आंटी हैं, जिन्होंने मुझे। तो जा अपनी सितारा आंटी के पास जो मुझसे अच्छी है और उन्हीं से पूछ कि तेरी माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं शीशे विशे सब कुछ तोड़ दूंगा अमृता। डैम इट अमृता, मेरी मम्मी ने जो कुछ कहा उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मेरा दिल मेरी मम्मी की जुबान पर नहीं है और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकती, खुद तुम भी। आंटी भगवान के लिए आप वो घिसा पिटा सवाल ना कीजिएगा कि इतनी रात के मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। घर जाओ। कैसा घर? अब मेरा कोई घर नहीं है। मैं मम्मी को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। बेटे अपनी माँ को छोड़ा नहीं करते सनी। माँ भी बेटे का दिल तोड़ा नहीं करती आंटी। जो आशीर्वाद मम्मी ने नहीं दिया वो आशीर्वाद आप दे दीजिए। मुझे और अमृता को एक सुखी जीवन का आशीर्वाद दे दीजिए आंटी। जब तक तुम्हारी माँ ये रिश्ता मंजूर नहीं करती। तो फिर ये बताइए कि मम्मी इस रिश्ते को मंजूर क्यों नहीं करती? ये बताइए कि जब वो इस रिश्ते को पहले मान गई थी, आपसे मिलते ही वो हमारे खिलाफ क्यों हो गई? बहस मत करो सनी। यह आप दोनों की नफरतों का मामला नहीं है, यह हम दोनों की मोहब्बतों का मामला है। आपको बताना पड़ेगा। आज अभी इसी वक्त आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बताइए कि मम्मी आपसे नफरत क्यों करती है? बताइए कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। लगता है मम्मी की तरह आप ही नहीं जानती कि मोहब्बत क्या होती है। ठीक है, चुप खड़ी रहिए। आप हैं कौन इस शादी को रोकने वाले? आंटी, ये थप्पड़ मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब लेना आता है। अरे भंवर सिंह, 2 बज गए, सनी बाबा नहीं आए। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। हेलो हेलो, गायत्री देवी जी हैं? मैं बोल रही हूँ जी। मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ। सनी बाबा ने अपने जहाज से मैसेज भेजा है कि जहाज? लेकिन वो जहाज ले कैसे गया? उसे तो जहाज उड़ाना आता ही नहीं। उसे उसने फ्लाइंग सीखी ही नहीं। जी वक्त नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। आप फौरन यहाँ आ जाइए, वरना उनकी जान को खतरा है। वो जिद से सिर्फ 30 मिनट का पेट्रोल डालकर गए हैं और आपसे कहा है कि अगर आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो अपने प्लेन को क्रैश कर देंगे। आप अमृता जी बोल रही हैं? जी। मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए, सनी बाबा की जान बहुत खतरे में है। आंटी, मुझे सनी से बात करनी है, जल्दी प्लीज। विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर, विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर। हेलो, दिस इज बॉम्बे स्पीकिंग। दिस इज विक्टर किलो विक्टर, गो अहेड। प्लीज स्पीक टू योर मम्मी। हेलो हेलो, सनी बेटे, सुन रहे हो? मेरी आवाज सुन रहे हो बेटे? सुन रहा हूँ मम्मी। तो अपना जहाज नीचे उतार लो। पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए कि आप सितारा आंटी से नफरत क्यों करती हैं? ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। तुम पहले अपना जहाज नीचे उतार लो बेटे। अब 9 मिनट का पेट्रोल है मम्मी, सोच लीजिए। भगवान के लिए नीचे आ जाओ सनी। भगवान के लिए जवाब दे दीजिए मम्मी, 8 मिनट रह गए हैं। सनी नीचे आ जाओ। तुम जो चाहते वही होगा सनी, तुम्हारी कसम सनी। पेट्रोल और मेरी जिंदगी को खत्म होने में अब सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अभी मैं बहुत दिन जीना चाहता हूँ मम्मी। मुझे सुन रहे हो बेटा सनी? बिल्कुल क्लियर मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो, मैं सिर्फ मिसेस इंद्रजीत हूँ, तुम्हारे डैडी की विधवा, एक लावारिस औरत जिसने किसी और के बेटे को अपने बेटे की तरह पाल पोस के जवान किया। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मी? नहीं, तुम इंद्रजीत। हाँ, और सितारा के बेटे हो। बस बेटे बस, अब नीचे उतारा, अपना जहाज नीचे लिया बेटे, प्लीज बेटे, प्लीज प्लीज। मम्मी ने कहा है कि आप मेरी माँ हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मेरे सामने खड़ी है। मैं गायत्री देवी के बारे में पूछ रही थी। उस औरत को देवी मत कहिए जिसने 22 साल तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा। उस औरत की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उस औरत ने तुझे पाला भी है। उस औरत ने तुझे सुलाने के लिए रातों की नींदें भी गवाई हैं। तेरे पहली बार चलने पर वही औरत खुशी से रो भी पड़ी होगी। उसी औरत ने तुझे जीना, हंसना, बोलना सिखाया है। वही औरत तेरी असली माँ है। माँ को औरत कहते हुए शर्म नहीं आई, बदतमीज। शर्म नहीं आई क्या? लेकिन ये खून आप ही का है। बहस मत करो सानी, मेरा बेटा बनकर घाटे में रहोगे। दुनिया तुमसे तुम्हारा पिता का नाम पूछेगी, तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ। हाँ, गायत्री देवी ने तुम्हें अपनी गोद लेकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े घर में आप वो बिल्कुल अकेले रह गई होंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें गायत्री देवी के पास वापस जाना पड़ेगा। आसानी से तुमने नाथा तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये नाथा टूटा नहीं। तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। नहीं जिया जाएगा, तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हें पाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाकर नहीं, तुम्हें होकर बर्बाद हो जाऊंगा। तुमसे ये किसने कह दिया इंद्र कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है? प्यार का नाम है जुदाई। यही जुदाई प्यार का इनाम भी है और प्यार की सजा भी। ये सब बकवास है सितारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम हासिल करके रहूंगा। और दरवाजे बंद मिले तुम? मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी। सितारा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुन लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मम्मी, 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 मम्मी दरवाजा खोलो। सनी, तोड़ दो दरवाजा, जल्दी। मम्मी, गायत्री देवी, हे भगवान। मम्मी, मम्मी क्या किया तुमने? मम्मी, डॉक्टर को बुला अमृता, जल्दी। नहीं सितारा, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया? मैं तो आपका बेटा आपको लौटाने आई थी। मैं तो सिर्फ सनी के आया थी सितारा। आज वो नौकरी खत्म हो गई। क्या मैं सिर्फ जन्म देने से मां हो गई? हाँ, जन्म देना ही तो असली बात है। यशोदा ने कन्हैया को पाला, अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, फिर भी वो कन्हैया की मां तो नहीं हो सकी। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो अपनी तकदीर में तन्हाई लिखवा कर जन्म लेते हैं। इंद्रजीत को चाहा, वो गुम हो गए। तुम्हें चाहा, तो तुम मुझे अपने सवालों के कोड़े मारने लगे। मेरी आत्मा लहूलुहान हो गई। तब मैंने ये जाना कि मां ना होकर अगर मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प सकती हूँ, तो सितारा का क्या हाल होगा, जिसे आज तक किसी ने मां कहा ही नहीं। आज मैं तुमसे सनी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ सितारा। नहीं मम्मी, प्लीज मम्मी नहीं। एक बार सितारा को मेरे सामने माँ कहो बेटे। नहीं मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ है, सिर्फ आप मेरी माँ है मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ है। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी कैसी हो सकती है। एक बार मेरे सामने सितारा को मां कहकर मेरी मौत आसान कर दो। 22 साल तक मैंने इस शब्द को सितारा से छीने रखा। इस गैर औरत की सहायता करो जिससे आज तक तुम मम्मी कहते रहे। माँ कहो बेटे। माँ, फिर से एक बार। फिर माँ, सुन लिया ना इंद्रजीत, आज तुम्हारा बेटा पहली बार बोलना सीख गया है। आज पहली बार उसने अपनी माँ को माँ कहा। जीते रहो बेटे। माँ, और क्या पहले वो